क्या आपने कभी सोचा है कि आपके हाथ पर एम का निशान तथा नाखूनों पर आधे चांद जैसे निशान होते हैं, इनका क्या मतलब होता है और ये निशान आपके ही हाथों तथा नाखूनों पर क्यों होते हैं, सभी के हाथों तथा नाखूनों पर क्यों नहीं होते? अगर आप ये नहीं जानते तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, अगर आप सच में भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और कमेंट में लिख दीजिए जय श्री कृष्णा। सबसे पहले हम बात करते हैं नाखूनों पर अर्धचंद्र की। हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार अगर आपकी तर्जनी उंगली के नाखून पर अर्धचंद्र होता है तो इसे बहुत ही शुभ माना जाता है और आप भाग्यशाली हैं, क्योंकि जिनकी तर्जनी उंगली के नाखून पर अर्धचंद्र होता है उनको बहुत ही जल्दी सफलता मिलती है। मध्यम या बड़ी उंगली के नाखून पर अर्धचंद्र माना जाता है कि बड़ी उंगली को शनि देव की उंगली भी कहा जाता है, क्योंकि ये बाकी उंगलियों से बड़ी होती है। यदि किसी की बड़ी उंगली के नाखून पर अर्धचंद्र बना होता है, वह व्यक्ति मशीनरी या उद्योग के काम में बहुत ही जल्दी सफलता प्राप्त करता है। छोटी उंगली के नाखून पर अर्धचंद्र, यदि किसी के कनिष्ठा या छोटी उंगली के नाखून पर आधे चांद जैसा निशान होता है, ऐसे व्यक्ति को भविष्य में काफी लाभ होने वाला होता है। अंगूठे के नाखून पर अर्धचंद्र, अगर किसी व्यक्ति के अंगूठे के नाखून पर आधे चंद्रमा जैसी आकृति बनी होती है तो ऐसा व्यक्ति आलसी होता है और अपने किसी भी कार्य को आसानी से करने की सोचता है और ऐसा व्यक्ति कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करता। चलिए अब जानते हैं हाथ पर एम के निशान के रहस्य के बारे में। ऐसे लोग जिनके हाथ पर एम निशान बनता है, वह लोग बहुत साहसी और चुनौतीपूर्ण कार्य करने वाले होते हैं। इन्हें समाज में मान सम्मान स्थापित करने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये जल्दी किसी पर भरोसा नहीं करते और ये लोग आत्मनिर्भर होते हैं, जो अपना रास्ता स्वयं ही बनाने में यकीन रखते हैं। तो दोस्तों, हमें दीजिए आप इजाजत। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।